Welcome back to all of you. Aaj hum start karenge about the chemical properties of group 16 elements. Aur agar hum group 16 elements ki baat kare to amongst all group 16 elements jo first element hai oxygen is most reactive. Most reactive because of its small size and high electronegativity and high effective nuclear charge. Or down the group reactivity decreases. So first of all here we compare their reactivity towards hydrogen. Sare group 16 elements, they react with hydrogen to form hydrides of the type H2E. And for example, yahan par hum baat karein H2S ki, to H2S is prepared in laboratory in the apparatus known as KIPS apparatus by the reaction of ferrous sulfide with some acid, hydrochloric acid or sulfuric acid like acids. So in ke reaction se aapko milti hai gas H2S, which is gas at room temperature having the smell of rotten eggs. Sade hue ande jaisi inki smell hoti hai, very offensive smell with the water and ferrous ions. So that is about their preparation. Rest of these exist. Aur agar hum inke structure ki baat kare, तो जितने भी ये हाइड्राइड्स हैं, these all are sp3 hybrid और इस sp3 hybridization में इनके पास two lone pair of electrons because of which they have bent or v-shaped structure. Here is the central atom, the two hydrogen and the two lone pair electrons on the central atom in two sp3 hybrid orbitals. So if you observe their kyunki inme hybridization to sabme same hai aur due to difference in the electronegativities of central atom, inke bond angles, जैसे आपको पता है कि अगर सेंट्रल एटम सेम ना हो, हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम हो, तो ऐसे केस में बॉन्ड एंगल्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा. तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आपको क्या मिलता है, H2O में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, उसके बाद H2S, so this is the order of their bond angles. अगर आप इनके boiling points को compare करो, तो जैसे बोलते हैं कि down the group जैसे-जैसे molecular masses बढ़ेंगे, boiling points भी बढ़ने चाहिए. उस हिसाब से water का boiling point सबसे कम. लेकिन यहाँ पर आपको एक exceptional behavior मिलता है. Water is having exceptionally high boiling point, सबसे ज़्यादा boiling point water का, और फिर जो down the group है वो boiling point increase. तो here you have और यही रीजन है कि आपको रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड मिलता है, लेकिन H2S इज गैस. तो वाटर का एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट इज ड्यू टू इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्लियर? और अगर बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर है तो वोलेटिलिटी क्या होगी? अब जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा, उसका वोलेटिलिटी उतनी कम. तो सबसे कम H2O
उसके बाद आप बस ऑर्डर रिवर्स कर दीजिए. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ देयर वोलेटाइल नेचर. और ये जितने हाइड्राइड्स है दे ऑल्सो शो एसिडिक कैरेक्टर. एंड ये जो एसिड्स हैं आप कह सकते हैं दे आर ब्रोंस्टेटलोरी एसिड्स. तो दे हैव एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन. और डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है क्योंकि यहाँ पर इनका साइज जो है वो बढ़ता है. साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी. बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो हाइड्रोजन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा. सो द एसिडिक कैरेक्टर शोज द ऑर्डर वाटर का सबसे कम. उसके बाद डाउन द ग्रुप द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. ठीक है. सो दैट इज द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक कैरेक्टर विच यू ऑब्जर्व इन केस ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड्स. थर्मल स्टेबिलिटी अगर आप देखें तो क्योंकि डाउन द ग्रुप इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ रही है इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है. तो अब डिक्रीज हो रही है तो ऑर्डर आपको मिलेगा वाटर की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा. एंड देयर इज वन मोर फीचर दैट इज शोन बाय देयर हाइड्राइड्स इज देयर रिड्यूसिंग इन नेचर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर. और इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बेसिकली इज ऑन द एबिलिटी ऑफ लूजिंग द हाइड्रोजन. और आपने देखा था जैसे एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप हाइड्रोजन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है और एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है तो सेम ट्रेंड आपको मिलता है इन देयर रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑल्सो. सबसे कम वाटर का so that is the order of their reducing strength. So that is about their oxides. And next is reactivity towards that was all about hydrides, reactivity towards hydrogen. And now next type of chemical property is reactivity towards oxygen. So another chemical properties reactivity towards oxygen. Group 16 के जो elements हैं वो oxygen के साथ react करके दो तरह के oxides बनाते हैं EO2 like dioxide and EO3 that is trioxide. ऑक्सीजन के केस में सिर्फ डाइऑक्साइड बनता है दैट इज ओजोन. बाकी एलिमेंट्स के केस में डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड्स दोनों बनते हैं. तो इन ऑक्साइड्स में अगर हम पहले बात करें इनके डाइऑक्साइड्स की तो फॉर एग्जांपल द सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कंबशन ऑफ सल्फर. Or it can also be produced as a by-product during roasting of sulfide ores. And in oxide ke agar aap feature dekho, to ye jo sulfur oxide, sulfur dioxide hai, kaisa hai? It is acidic in nature. And this sulfur dioxide, because of its acidic character, gets dissolved in water to give you sulfurous acid. क्लियर. और इनका जो शेप है वो कैसा है दैट ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड विद अगेन प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए था लेकिन अगेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से
they have bent or V-shaped structure. Having one lone pair electron. So here in sulfur dioxide, there are two sulfur oxygen double bond and there is one sp2 hybrid orbital having lone pair of electron. So ek sp2 hybrid orbital pe lone pair electron hai, ek sp2 hybrid orbital is forming sigma bond with one oxygen, another one is forming sigma bond with another. Aur jo yahan do pi bonds hai, these two pi bonds are having different character. One of the pi bond is because of p pi overlap, whereas another one is because of p pi d pi overlap. So, ek ke case mein sulfur ka unhybrid p orbital oxygen ke p orbital ke saath overlap karta hai to form p pi bond. Aur yahan sulfur ka unhybrid d orbital oxygen ke p orbital ke saath overlap karta hai to form p pi bond, right? इसी तरह से अगर आप सेलेनियम डाइऑक्साइड की बात करो तो सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है वो इट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल इन गैस फेज बट linear polymer in solid phase. तो अगर ये gas molecule के form में है तो आपको वैसे ही same case मिलेगा. And in case of linear polymer, number of units are joined together by means of bridging oxygen and so on. So that is the structure of selenium dioxide, which is polymeric in solid state. And this selenium dioxide is also acidic in nature as it gets dissolved in water to give you selenious acid. जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से आपको मिला था सल्फ्यूरस एसिड, इसी तरह से सेलेनियम डाइऑक्साइड से यू विल गेट सेलेनियस एसिड. इसके अलावा बाकी जो है रेस्ट डाइऑक्साइड आर एम्फोटेरिक. क्लियर? एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स जो आपको यहां पर मिलते हैं in case of group 16 are trioxides. So, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि oxygen के case में trioxide का formation नहीं होता, सिर्फ बाकी दूसरे elements बनाते हैं. And for example, आप बात करो sulfur trioxide की, तो ये सारे molecules भी sp2 hybridized and planar. So now you can see in this molecule there are three pi bonds. अब इनमें से जो एक है वो तो है p pi overlap से बनने वाला bond और बाकी के जो दो हैं these are formed by p pi d pi overlap. So in this case sulfur trioxide is a resonance hybrid of three resonating structures. क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के पाई बॉन्ड्स हैं, पी पाई बॉन्ड्स, पी पाई एंड पी पाई, और दूसरे हैं पी पाई एंड डी पाई, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 16 एलिमेंट्स की और इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. गुड बाय टिल देन.